कहते हैं ना, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक परिवार का सदस्य शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है, और अगर एक पीढ़ी शिक्षित होती है तो उसका एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षित होता है। जी हाँ, आज हम शिक्षा के इसी क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं, और एक ऐसे लौह महिला की जो हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं IIMR कॉलेज की जॉइंट सेक्रेटरी अंशु बंसल जी की। जी हाँ, हम आज स्वागत कर रहे हैं स्टार मीडिया में अंशु बंसल जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो ये जॉइंट सेक्रेटरी की शुरुआत की सफ़र, ये कैसे तय किया यहाँ तक का? मैडम देखिए, कोई भी महिला अगर घर से बाहर निकलती है तो उसे परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है, और बिना परिवार के सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मेरे परिवार का सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। एक दिन यूं ही मैंने उनसे कहा कि अगर मैं घर अच्छे से संभाल सकती हूँ तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। बस वही दिन था कि मैंने अपनी शुरुआत इस इंस्टीट्यूशन में कदम रखे, और यहाँ से मैंने अपना एक अच्छा समय यहाँ पे व्यतीत किया। करीब 10-12 साल से मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में देख रही हूँ। और मुझे जहाँ तक पता है कि 2006 में आपने शायद सर के साथ आपने काम शुरू किया, और अभी तक का सफ़र आप किस तरह से देखती, किस तरह से चीज़ें बढ़ी हैं? मैडम दो से एक अकेला करने वाले से अगर एक सपोर्ट मिल जाता है तो दो लोग 11 के बराबर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता ही है, अगर वो अपना फाइनेंस या अलग डिपार्टमेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं और चीज़ों में उन्हें मेरा साथ मिलता है, तो चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आज एक महिला होकर आप इस तरह से पहुँची हैं, तो ऑफिशियल लेवल पे आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करती हैं, क्योंकि आपके साथ यहाँ पे पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, किस तरह से आप कॉपरेट करती हैं चीज़ों को? एक मेरा व्यवहार बहुत शांत प्रिय है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्टाफ को हैंडल करने के लिए, अगर हम HR रिलेशंस की बात करें तो उसके लिए एक शांत स्वभाव से हर प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन ढूंढना बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे सारा सपोर्ट यहाँ जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्हें उनके साथ मुझे इजीली डील करना, मतलब मुझे लगता है कि मैं इजीली उनसे डील कर पाती हूँ, और वो सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी बात, हम कभी डिक्टेटरशिप में काम नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हम म्यूचुअल कंसेंट से काम करें तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मुझे यहाँ ये लगा कि मेरा स्टाफ मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिनकी वजह से, एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए सबका सपोर्ट चाहिए होता है। तो सारे फैकल्टी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और बहुत मेरी बात मानते भी हैं और समझते भी हैं मुझे। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए कुशल व्यवहार और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है, और आज जो हमें मैडम ने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इन्होंने कॉलेज को किस तरह से रखा, नींव को और मजबूत किया, और जी हाँ, एक और एक 11 होते हैं ना कि दो, इस चीज़ की भावना जो है एक इंसान को आगे बढ़ाकर लेकर जाती है। मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरह की कोर्सेज आप इस कॉलेज में चला रहे हैं? मैडम हमारे यहाँ सभी डिसिप्लिनरी के कोर्सेज़ हैं। इसमें अगर आप हम बात करें, बच्चा मैथ लेता है, बायोलॉजी लेता है, आर्ट्स लेता है, ह्यूमैनिटीज़ लेता है, कॉमर्स लेता है, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो वो 12th में लेता है। तो हमारे पास सभी तरीके के ऑप्शंस हैं बच्चे के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ हैं, जिसमें हम अगर बायो की बात करें तो हमारे पास फिजियोथेरेपी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बोथ UG एंड PG, और उसके अलावा हमारे पास BBA BCA है जिसमें ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे आते हैं। उसके अलावा हमारे पास लॉ है, और लॉ हमारे पास 5 years और 3 years दोनों हैं, और इसके अलावा BEd भी है। एजुकेशन में अगर हम जाएं तो BEd है, फिर हमारे पास MBA और PGDM जैसे कोर्सेज भी हैं जो बच्चे को फिर डायरेक्टली कॉर्पोरेट में ले जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं आपके यहाँ, मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं, आप किस तरह से इन सारे कोर्सेज को देखती हैं कि बच्चा जो है, दिस अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स? अगर बच्चा 12th के बाद निकल के आता है तो दे हैव लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ कोर्सेज दैट दे कैन इनरोल देमसेल्फ। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चे को आप किस तरह से सपोर्ट करते हो एजुकेशन में, किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है एक बच्चे को? मैडम देखो, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है वो इस एक्सपेक्टेशन से निकलता है कि उसे जो घर में माहौल मिला है उसे वही माहौल उसे बाहर भी मिले।
तो टीचर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है हमारे। टीचर्स बच्चे की केयर करते हैं, वो ये जानने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि बच्चे की पोटेंशियल कहाँ पर है, उसी तरह से उसके पोटेंशियल को निखारते हैं और बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। आप गर्ल चाइल्ड को किस तरह से अडॉप्ट करते हो कि आप, मतलब आपकी भी एक बेटी है, बड़ा अच्छा लगा है कि आपके पास दोनों है, बेटे और बेटी दोनों हैं, तो आप दोनों की भावनाओं को बहुत अच्छे से यंग चाइल्ड को समझ सकते हो, तो यहाँ आप वुमेन चाइल्ड को, मतलब गर्ल चाइल्ड को किस तरह से सपोर्ट करते हो? मैडम देखो, वी आर वेरी लकी कि हमारे पास मेजॉरिटी गर्ल्स की है और हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा है, हमारे पास हॉस्टल भी है जिसमें करीब 150 लड़कियाँ रहती हैं, और यहाँ पर लड़कियों, मतलब हम कुछ कोर्सेज माने जैसे फिजियोथेरेपी है, उसमें हमारी 70% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए एक एनवायरनमेंट देना और उनको समझना, उनकी हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, एंड वी आर लकी कि वी हैव स्टाफ में मैक्सिमम फीमेल स्टाफ मेंबर्स, तो ये एक बड़ा अच्छा बैलेंस बन जाता है दोनों के बीच में। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स कुछ होती होंगी तो वो बच्चे मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो एज सच इशू के वेयर वी कैन नॉट मीट स्टूडेंट्स, वी कैन मीट देम डायरेक्टली इफ दे हैव दैट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स, और अदरवाइज बीच में सब टीचर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सब प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि गर्ल्स के लिए, देखिए गर्ल्स में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत हिम्मत है, और अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं, ये हमारे हिस्ट्री भी प्रूव कर चुकी है, एंड डे बाय डे वी आर सीइंग कि एवरी गर्ल हैज़ दैट मच पोटेंशियल कि दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ, मतलब एक सपोर्ट तो चाहिए, दिस आई कांट से कि फैमिली का सपोर्ट तो उन्हें चाहिए चाहिए, लेकिन अगर उन पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस उन पर दिखाया जाए तो गर्ल्स कैन डू मिरेकल्स। अभी मैं आपको, दर्शकों, आपको एक और रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगी कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज ने एक रिसर्च किया है कि विमेंस आईक्यू इज बेटर देन मेल आईक्यू, तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईक्यू लेवल से भी विमेंस का नॉलेज और सेंस ऑफ ह्यूमर पुरुषों से ज़्यादा अच्छा होता है, और मैडम ने ये चीज़ें हमें यही बताई हैं कि महिलाएँ कुछ भी कर सकती हैं, और जी हाँ, शी इज़ इन विमेन एंड शी सपोर्ट those women who want to go in their career life, and of course BJMC, BBA, BCA, ये सब 12th के बाद जो courses हैं जिसमें कि भरपूर support मिल रहा है, medical है, PMT courses हैं, BSc Biotech, Microtech है, ये सारे courses बहुत अच्छे से support कर रहे हैं। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आप जो है women को support कर रही हैं, बॉयज़ के प्रति आपका क्या लेवल है, आप किस तरह से बॉयज़ को भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये भी एक आपके बच्चे हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए बॉयज़ इक्वली, जितनी गर्ल्स इंपॉर्टेंट हैं बॉयज़ भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट तो देना ज़रूरी है, और आप बेटी बढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ को आप आगे बढ़ा रही हैं, तो इसमें वी आर फुल्ली सपोर्टेबल, लेकिन बॉयज़ को भी कहीं ना कहीं इंथोजियज़म की ज़रूरत है, तो इंथोजियज़म के लिए किस तरह के इवेंट्स वगैरह आप करती हैं ताकि बॉयज़ गर्ल्स म्यूचुअली दोनों आगे बढ़ सके एजुकेशन के इस लेवल में? ये जो है एक मंदिर है आईएमआर, तो उसमें किस तरह से आप इनको देखती हैं? हमारे यहाँ सब तरीके के प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं, बॉयज़ हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, नॉट ओनली इन फील्ड ऑफ एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन अदर फील्ड्स ऑल्सो, तो वो स्पोर्ट्स में नो डाउट बॉयज़ का एक ये माना जाता है कि वो फिजिकली बिल्ड होते हैं, तो बॉयज़ स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा करते हैं। एक चीज़ मैं एक मैसेज इसके थ्रू पहुँचाना चाहती हूँ कि बॉयज़ अगर अपने अपनी डिसिप्लिन को अपने लाइफ में ले आएँ, प्लस जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है, पेरेंट्स जो शिक्षा गर्ल्स को देते हैं हमेशा कि आपको कम बोलना है, आपको एक सीमित लिमिटेशंस में चलना है, अगर यही शिक्षा वो अपने लड़कों को दें तो हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी हम केसेस सुनते हैं कि तरह तरह के ईव टीजिंग केसेस होते हैं या रेप केसेस होते हैं जो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, उसमें अगर हम अपने बच्चों, अपने लड़कों को अच्छी शिक्षा दें जो घर परिवार से ही मिले, तो उस केस में हम समाज को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ में शिक्षा की शुरुआत एक पारिवारिक स्तर से होती है, और हमें क्यों नहीं चाय बनाना अपने बच्चों को, बेटों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटों और बेटियों में कहीं अंतर नहीं है, क्योंकि आज वो दोनों ही अपने तरीके से कमा रहे हैं, अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, जो हम बच्चों को लाडला कहते हैं, तो वो हम लाडली भी कहना सीखें,
और बीइंग अ वुमेन हमें अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को अगर बचाना है, सच में कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य की कल्पना करनी है, तो हमें लड़कों और लड़कियों को दोनों को इक्वलिज्म जो है वो इक्वलिज्म पे जरूर फोकस करना चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहूँ किस तरह के एनुअल फंक्शंस इवेंट्स हम करते हैं, जैसे ड्रीम स्पार्क्स की हम बात करें तो उसमें कितनी फुटफॉलिंग होती है और क्या क्या मस्ती वाली चीज़ें भी होती हैं कॉलेज में, आप किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा आप हमें उसके बारे में बताइए। ड्रीम स्पार्क हमारा साल भर का एक एनुअल प्रोग्राम होता है जिसमें सब बच्चे बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एकेडमिकली हमारे टेक्निकल राउंड्स भी होते हैं, उसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, प्लस इनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और ये तो मानना पड़ेगा कि बच्चों में बहुत टैलेंट है, जिसमें कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई मोनोलॉग में अच्छा है, हर कोई बच्चा किसी ना किसी उसमें, तो इस एनुअल फेस्ट के थ्रू उन बच्चों का पोटेंशियल बाहर निकल के आता है और कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है स्टूडेंट्स में और ये कॉन्फिडेंस उसको कहीं से कहीं ले जाता है। तो हम सिर्फ ये ना करें कि वो अपने एग्जाम्स में कैसा कर रहा है, वो अगर किसी भी एक्टिविटी में, क्योंकि इस बार इस समय इतने सोर्सेस हैं बच्चे को आगे किसी भी रूप में वो अपने आप को, अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकता है, तो ये एक अच्छा मंच है जहाँ पर बच्चे अपने पोटेंशियल को दिखाते हैं। और इसमें मिला जुला हर तरीके का इवेंट इसमें है जो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। करीब फुटफॉल जो है 1,000-1,500 बच्चों का फुटफॉल रहता है। ये सिर्फ ना ही IIMR बल्कि अगल बगल के सभी कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने जैसा कि सुना, मैम ने बताया कि इंटर कॉलेज कंपटीशन टाइप का ड्रीम स्पार्क जो होता है वो होता है, जिसमें कि 1,500-2,000 के तकरीबन बच्चे आते हैं। ना कि सिर्फ एजुकेशन ही मोटो है IIMR का, और को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे डिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं? कुछ ऐसा है जिसमें आप बच्चों को प्लेसमेंट, जैसे PMT कोर्सेज हैं आपके, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, या BJMC या BBA BCA, उसमें किस तरह के प्लेसमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू को आप कंडक्ट करवाती हैं? पहले स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है मॉक टेस्ट से, और वैसे थ्रू आउट ईयर जो एक्टिविटीज़ उनकी होती हैं उसमें भी उनके प्रेजेंटेशंस के थ्रू और उनके स्किल्स डेवलपमेंट की जाती हैं। और इनके मॉक टेस्ट जो मैंने बताया वो HODs अपने लेवल पे मॉक टेस्ट करवाते हैं, और इनका रिटर्न टेस्ट भी होता है। और इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी कि वो कंपनी के क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो किस तरीके के स्टूडेंट्स लेना। जनरली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो आफ्टर हायर स्टडीज़ दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। और हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें अगर हम, तो MSc बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में बच्चों हाथे हाथ लिए जाते हैं। MPT हमारा बहुत अच्छा, BPT MPT बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल्स में इनकी बहुत डिमांड है। और बच्चा करीब बेयर मिनिमम अगर मैं मानूँ तो 40,000 रुपये पर मंथ उनकी एनुअल इनकम, मतलब मंथली इनकम हो जाती है। तो फिजियोथेरेपी अपने आप में बहुत बढ़िया कोर्स है, जिसमें मैं अगर चाहूँ कि आज मुझे कंपनी कोई मुझे पूछ रही है कि अपने बच्चे दे दीजिए, तो आई डोंट थिंक एनी स्टूडेंट इज़ अवेलेबल टू मी। बच्चे इतने अच्छे उसमें प्लेस हो जाते हैं। वाओ, वेरी गुड। इट मींस देयर इज़ 100% प्लेसमेंट फॉर PMT कोर्सेज, एंड नॉट ओनली PMT कोर्सेज, जैसे BBA BCA और सारे कोर्सेज हैं, PGDM कोर्सेज भी एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में पूछना चाहूँगी कि हमारे शायद जो है सेफ एक्सप्रेस के साथ, हमारा जो है सेफ एडुकेट के साथ एक बहुत ही अच्छा हमारा प्लेसमेंट का सेल डिफाइन किया गया, तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? इस समय टाइम जो है वो लॉजिस्टिक का टाइम है। जितना भी आप Amazon, Flipkart और इनमें देखते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, उन सब में आपको सामान कैसे 2 दिन में 1 दिन में पहुंचाया जाता है, तो वो सब लॉजिस्टिक पे डिपेंड करता है। सेफ एजुकेट भी इसी तरीके का एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो स्टूडेंट्स को लेती है, उन्हें ट्रेन करती है, और ट्रेन करने के बाद वो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी हाथों हाथ दे देती है। तो हमारा एसोसिएशन है सेफ एजुकेट के साथ, और स्टूडेंट्स इजीली प्लेस हो जाते हैं, बच्चे को ट्रेन भी करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो ये एक अच्छा अपने आप में अच्छा प्रोग्राम है जी। तो कहीं ना कहीं PGDM कोर्सेज भी एक ऐसा कॉर्पोरेट कोर्सेज है जो सीधे डायरेक्ट इंडस्ट्री की ओर लेकर जाता है बच्चों को, तो इस तरह के कोर्सेज बच्चों को यहाँ पर नर्चर किए जाते हैं और आगे बढ़ाया जाता है। मैं आखिरी सवाल,
मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आने वाले जो बहुत सारे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं आईएमआर में ज्वाइन करने के लिए, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी काबिलियतों पे जाएं, आप भीड़ में मत चलें, अपने आप को अलग हटकर कुछ बना सोचें और अपनी काबिलियतों को पहचानें। आप क्या कर सकते हो, सबके अपने अपने एक माइंडसेट बना होता है, सब अपने अपने ट्वेल्थ में ही सोच लेते हैं कि हमें यहाँ जाना है और हमें वहाँ जाना है। तो ये सब तो देखिए, मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज डिस्टाइंड, आप पहले से ही सब डेस्टिनी फिक्स है और बच्चों को कहाँ जाना है वो, लेकिन सिर्फ आप जो अपने आप में जो चेंजेस कर सकते हैं वो अपने आप को एक डिसिप्लिन बनाएं, वेल बिहेव्ड बनाएं, पोलाइटली बोलें, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा और कुछ अपने ताकत का अंदाज़ा ना लगाएं कि आप बहुत ताकतवर हैं। आप सिर्फ अपनी काबिलियत पहचानें और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ें। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, आप सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से पा सकते हैं और आप मेहनत करें। धन्यवाद। कहते हैं ना स्टडी विंस द रेस, और बिल्कुल मैडम ने हमें यही चीज़ बताया कि सफलता एक दिन में नहीं मिल जाता है, सफलता जो है एक वो फल है जिसे आराम से पकने दिया जाता है और प्यार से तोड़ा जाता है, और फिर जब सफलता के उस मकाम पर मेहनत के परिश्रम से हम पहुंचते हैं तो फल बहुत ही मीठा होता है। और आज इसी मीठे की हम बात कर रहे थे, हमारे साथ थी अंशु बंशल जी जो बता रही थी कि किस तरह से बच्चा सक्सेसफुल होता है। इट मींस कि देयर इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट इज आईएमआर, और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ यहाँ पर डेडिकेशन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा टीचर्स और मैनेजमेंट की इस कदर है कि बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा जब तक अच्छा पढ़ेगा नहीं, अच्छा सीखेगा नहीं, तो अच्छा प्लेस कैसे होगा। तो यहाँ पे एक सतत प्रयास है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो किया जा रहा है, एंड वी हैव टू बी अप्लाइज फॉर दैट। वी हैव अ वेरी गुड फैकल्टीज एंड वेरी गुड एनवायरमेंट एट आईएमआर। Thank you very much for giving us a very important and busy schedule time to us, and we wish you for your better future and all. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you.